आप लोगों ने फायरबोल्ट स्नैप परचेस तो कर ली, लेकिन आप लोगों को इसके हिडन फीचर्स के बारे में तो पता ही नहीं है, जिसकी वजह से ना तो आप लोग इसको अपने मोबाइल से पेयर कर पा रहे हैं और ना ही आप लोग इस वॉच को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। लेकिन चिंता की क्या बात है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस वॉच के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस वॉच को अपने मोबाइल से किस तरीके से पेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस समय पता नहीं है कि ये वॉच मोबाइल से किस तरीके से पेयर होती है, तो इसको भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और इसको ऑप्टिमाइज करना भी बताएंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग इस वॉच को अपने मोबाइल से किस तरीके से पेयर कर सकते हैं। तो पेयर करने के लिए आप लोगों को आ जाना है इसके मेन मेन्यू पे, और नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ब्लूटूथ असिस्टेंट का मेन्यू दिखाई देगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो बटन दिखाई देंगे, बाइंड क्यूआर कोड और डाउनलोड ऐप। तो आप लोगों को इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है क्यूआर कोड स्कैन करके। तो मैं इसका यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ। तो भाई क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद यहाँ पे हमारी कुछ साइट टाइप की खुल जाएगी एक। जब आप लोगों की ये साइट ओपन हो जाए तो आप लोगों को कर देना है गो टू गूगल प्ले स्टोर। तो आप लोगों को इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इसके ऐप को, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऐप आ जाएगा फायरबोल्ट फिट प्रो। तो आप लोगों को इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो जब ये ऐप आप लोगों के फोन में इंस्टॉल हो जाए तो आप लोगों को इसे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो भी परमिशन मांगे आप लोगों को इसे अलाउ कर देना है सारी परमिशन को। उसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे डिवाइस का बटन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बाइंड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पे हम जब बाइंड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करेगा यहाँ पे हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं परमिशन रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे कैमरा यूज़ करने की, तो इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर खुल चुका है, और अब हमें यहाँ पे बाइंड क्यूआर कोड अपनी वॉच का खोल लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे खोल लिया, और हमें इसको स्कैन कर लेना है यहाँ पे, और स्कैन करते ही यहाँ पे हमारी वॉच इससे कनेक्ट होने लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वॉच इससे कनेक्ट हो चुकी है फायरबोल्ट के ऐप से, और मैसेज भी आ चुका है फायरबोल्ट 220 कनेक्टेड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वॉच की बैटरी परसेंटेज आ चुकी है, और काफ़ी सारे नीचे आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन परमिशन वगैरह मिल जाती है कि आप लोगों के मोबाइल की नोटिफिकेशन देख सके या नहीं देख सके आप। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कैच क्लियर कर सकते हैं, वर्जन मिल जाता है, और आप लोग अपनी वॉच को यहीं से अपडेट भी कर सकते हैं। और हेल्थ पे जाना चाहें तो आप लोग हेल्थ पे भी जा सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि आज आप कितने स्टेप चले हैं, या फिर आप लोगों का हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन वगैरह सब यहाँ पे आपकी हेल्थ रिपोर्ट आप लोगों को इसके ऐप पे ही मिल जाएगी। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे आप लोगों को फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखाना चाहूँगा आपको। और यहाँ पे फाइंड डिवाइस कर सकते हैं आप, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वॉच पे हमारे अलार्म बजने लगेगा, और लोकेशन भी आ जाएगी हमारे पास अगर हम चाहें तो। तो लोकेशन तो हम फाइंड माई डिवाइस से भी देख सकते हैं, मतलब गूगल के फाइंड माई डिवाइस से भी हम लोग इसे लोकेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को इसका ऐप मिल जाता है, आप लोग चाहें तो इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फायरबोल्ट का ऐप है ये, डायरेक्टली आप लोगों को वॉच से क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और उसके बाद उसे बाइंड कर लेना आपको अपने मोबाइल से। तो ये आप लोगों को ऐप मिलता है। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ऐप इसका कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस तरीके से इसका ऐप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी वॉच को इसके ऐप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गया इस वॉच का पहला हिडन फीचर। तो भाई ये भी हिडन ही था, लोगों को नहीं पता होता कि ये सामने ही एक ऐप बना रखा है ब्लूटूथ करके, लोगों को ब्लूटूथ लगता है, लेकिन इसका ऐप डाउनलोड करने का है। तो आप लोग इससे इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, और नेक्स्ट हिडन फीचर के लिए आप लोगों को चले जाना है इसकी सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी सेटिंग्स में चले जाना है, सबसे ऊपर एक सेटिंग्स का बटन होगा, इस पर आपको चले जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे से मतलब थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक एक्सेलरेशन वाला मोड आप लोगों को दिखाई देगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और जब आप लोग इसे ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वॉच को बूस्ट कर देगा, मतलब परफॉर्मेंस में बूस्ट ले आएगा एक। तो आप लोग इससे अपनी वॉच को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो बैकग्राउंड में ऐप होते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली क्लोज करता रहता है और उनकी प्रोसेस को स्टॉप करता रहता है, ताकि वॉच आपकी बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने परफॉर्म कर सके, और साथ ही साथ ये वॉच मतलब लैग वगैरह ना करे बिल्कुल भी। वैसे तो नॉर्मली भी लैग नहीं होती, लेकिन एक्सेलरेशन मोड जब आप ऑन कर देंगे तो हैवी टास्किंग आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी टास्क की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक हिडन फीचर था तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब सेटिंग्स के अंदर तो है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस फीचर के बारे में। तो इससे आप लोग अपनी वॉच को और बूस्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अगर मैं इसके नेक्स्ट हिडन फीचर के बारे में बात करूँ तो सबसे नीचे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप लोगों को एक मोर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो भाई आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद नीचे जाने पर आप लोगों को यहाँ पे एक डिजास्टर वार्निंग का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो आप लोग जब इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिजास्टर वार्निंग मिलेंगी, जैसे कि अगर आपके एरिया में कोई अर्थक्वेक आने वाला है तो इस पर आप लोगों को पहले से ही डिजास्टर की वार्निंग मिल जाएगी, या फिर कोई अर्थक्वेक आया है या ऐसा कुछ हुआ है तो इन सब चीज़ों की वार्निंग यहाँ पे आ जाती है। तो फिर ब्रॉडकास्ट का फीचर इन्हें फायरबोल्ट ने ऐड करा अपनी वॉच के अंदर, तो ये भी आप लोगों को एक हिडन फीचर मिल जाता है, जो कि आप लोगों को इसकी मोर सेटिंग्स के अंदर जाके देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट हिडन फीचर्स की तरफ। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कैमरा स्मार्ट वॉच है, तो फिर इसमें फेस लॉक का फीचर तो होगा ही। तो फिर भाई बहुत से लोगों को नहीं पता है कि फेस लॉक आप लोग इसमें किस तरीके से लगा सकते हैं। तो फेस लॉक लगाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप लोगों को फेस अनलॉक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको ये ऐप्स में ही दिखाई देगा, सिक्योरिटी में भी दिखाई देता है, लेकिन ऐप्स में आप लोगों को सामने ही मिल जाता है। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद पहले आप लोगों को यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना होगा, और पासवर्ड सेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे फेस लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक करके दिखाता हूँ।
तो भाई मैंने यहाँ पर इसमें पासवर्ड डाल दिया है, तो अब यहाँ पे एंटर द फेस लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं फेस लॉक लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा कैमरा दिख रहा है इसमें, तो इस तरीके से आप लोग इसमें फेस लॉक भी लगा सकते हैं। तो मैं फेस लॉक अभी आप लोगों को लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से फेस लॉक लगा के भी आप लोग इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो ये ऐप आप लोगों को इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, और ये फायरबोर्ड का खुद का ही सिक्योरिटी ऐप है। और ऐप नहीं है, आप लोगों को सेटिंग्स में भी देखने को मिल जाता है। मैं सेटिंग्स में भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी में आप लोगों को चले जाना है डिवाइस, और यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन लॉक मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को स्क्रीन गॉर्ड लॉक का पासवर्ड डाल देना है, और भाई पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन सॉरी तो भाई अंदर आप लोगों को सिक्योरिटी के ऑप्शन में इस फेस लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं गलत बता रहा हूँ आपको, फेस लॉक का ऑप्शन आप लोगों को सिक्योरिटी के अंदर जाके देखने को नहीं मिलता है। ये ऑप्शन सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे बाहर ही देखने को मिलता है, फेस अनलॉक। तो यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना फेस लॉक भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा गलत बता दिया, लेकिन नहीं लगता अंदर से फेस लॉक, तो गड़बड़ हो गई मेरे से। तो आप लोग फेस लॉक अंदर से नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट इंडियन फीचर के बारे में बात करते हैं। तो फिर आप लोगों को इसका ये जो स्टाइल दिख रहा होगा मेन्यू का, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में एक ऐप दिखाई दे जाएगा, जो कि है इसका स्टाइल। तो यहाँ पे आप लोगों को चले जाना है, तो यहाँ पे आपको स्टाइल्स की सेटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे कि आप वॉलपेपर लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड के लिए वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया, और इसे मैंने सेट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में वॉलपेपर लग चुका है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि कैसे लगता है, तो इसलिए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। तो भाई ऊपर की साइड यहाँ पे आप लोगों को स्टाइल का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे, तो इसमें आप लोगों को हनी कॉम लिस्ट और वर्टिकल वाला स्टाइल मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को हनी कॉम लगा के दिखा देता हूँ। मतलब सेलुलर लिख रखा है इन्हें, लेकिन मैं हनी कॉम कितना यूज़ मतलब मुझे पता है, तो वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप लोग देख सकते हैं हनी कॉम वाला आप लोगों को पूरा ग्रिड स्टाइल मिल जाता है, आराम से आप सारे ऐप्स देख सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया मुझे इसका वर्टिकल वाला लगा, तो आप लोग वही सेट रखे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो वर्टिकल मोड सबसे बेस्ट लगा मुझे इसका। तो इस पर आप लोगों को क्योंकि ऐप के नाम भी दिखाई दे जाते हैं, और ये एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है, तो इसमें आप लोगों को ऐप के नाम नहीं दिखेंगे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। और थीम भी आप सेट कर सकते हैं कि आप लोगों को ऐप राउंड शेप में चाहिए या फिर आप लोगों को स्क्वायर शेप में चाहिए। तो राउंड में आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लोडिंग हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर राउंड ऐप्स आप लोगों को दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं सब ऐप का शेप जो है वो राउंड हो चुका है। तो राउंड भी बढ़िया लगता है, आप लोग राउंड में भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और जगह भी ज़्यादा लगेगी, मतलब वॉच की स्क्रीन में एरिया ज़्यादा दिखाई देगा आप लोगों को। तो भाई ये हो गए आप लोगों की वॉच को ऑप्टिमाइज़ करने के फीचर्स, और कुछ हिडन फीचर्स हो गए, जिससे जैसे कि ये भी जो मैंने आपको स्टाइल वाला बताया, इससे आप लोग अपनी वॉच को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि आप लोगों को जिस टाइप का ग्रिड स्टाइल चाहिए और जिस टाइप के आप लोगों को स्टाइल वाले फीचर चाहिए, तो वो आप लोग इसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इसी वीडियो में उसे भी कवर कर दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को वन क्लिक क्लीनअप का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे क्लीन हो जाती है आपकी वॉच, एक क्लिक में क्लियर कर सकते हैं, कैच वगैरह सब ये डिलीट कर देती है। तो ये भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। और अगर मैं इस वॉच के नेक्स्ट फीचर की बात करूं, तो फिर इसका ये जो आपको डॉक मिलता है, चार्जिंग डॉक, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को चार पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर ये चार पॉइंट इसलिए दिए गए इसमें क्योंकि इस डॉक की मदद से आप लोग डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो बस आप लोगों को इस अपने लैपटॉप या मोबाइल में लगा देना है। मोबाइल में लगाने के लिए आप लोगों को कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, लैपटॉप में आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और आप लोगों को डॉक नीचे रखना है, और इस पर आप लोगों को अपनी वॉच को प्लेस कर देना है। जैसे भी चार्ज होती है, या देख सकते हैं डॉक कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारी लैपटॉप पे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे शो हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वॉच को रख के नीचे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोरेज है वो यहाँ पे शो हो रही है इसकी, कितनी स्टोरेज है यहाँ पर, यहाँ पर 54 GB शो हो रही है। बाकी जो हो सकता है कि इसके सॉफ्टवेयर में हो, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वॉच का सब सामान आ चुका है, और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। फायरबोल्ट लिखा हुआ, तो नीचे यहाँ पर मैं दिस PC पे चला जाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं फायरबोल्ट करके यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है। तो आप देख सकते हैं इससे आप लोग डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, तो आप लोग यहाँ से इसमें शेयर करके भी इसमें सॉन्ग्स डाल सकते हैं। और कोई ऐप अगर आप लोगों को इसमें डालना है APK वगैरह, तो वो भी आप लोग यहाँ से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा, इसमें जाके बस डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है, आप लोग डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल मोबाइल की तरह सब कुछ आ जाता है, DCIM वगैरह, और यहाँ पर आपको फोटोज़ भी दिख जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको जाकर दिखाता हूँ कैमरा पर, तो यहाँ पर मैं इसके कैमरा पर चला जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ लैपटॉप पे डायरेक्टली हम मेरे खींचे हुए फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली जो मैंने वॉच पे क्लिक करी थी फोटो, वो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पर देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अपनी वॉच को पेयर कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ, और इससे आप लोग अपनी फोटोज़ वगैरह को भी इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप लोग ट्रांसफर तो नॉर्मली नियर बाई शेयर वगैरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉच में आप लोगों को ये सारे फीचर मिलते हैं क्योंकि एक एंड्रॉइड वॉच है। तो फिर चलिए अब इसके अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऑप्टिमाइजेशन टिप देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इस पर कोई ब्राउजर यूज़ करना है, जैसे कि इसमें जो इनबिल्ट ब्राउजर है उसको ना यूज़ करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाएँ, और यहाँ पर जाके आप लोग सर्च कर लें गूगल। तो भाई यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर गूगल का एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लें ब्राउजिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को बस गूगल सर्च कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम और गूगल दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं डाउनलोड करने के लिए, और आप लोग गूगल असिस्टेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखा है। तो वॉच को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा इसमें फीचर्स ऐड करने के लिए आप लोग इसमें असिस्टेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाता हूँ। टेल मी ए जोक,
prepare to chuckle or groan. Why can't you trust an atom? Because they make up literally everything. तो भाई मतलब तो भाई अपने जोक पे खुद ही हंस रहा है, कुछ ज़्यादा जोक तो मेरे समझ में आया नहीं, लेकिन आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोग इसमें गूगल असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इससे आप लोग अपनी वॉच को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो भाई इसमें मैं आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन टिप्स भी दे रहा हूं, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैं यहीं पर सब कुछ यहां पर खत्म कर रहा हूं बता के। तो आप लोग इस तरीके से यहां पर गूगल वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने गूगल असिस्टेंट और गूगल दोनों डाउनलोड कर रखे हैं, और यहां पर आप गूगल लेंस भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ें सर्च करने के लिए। मैं आप लोगों को लगा कर दिखाता हूं, यहां पर मैं लेंस पर क्लिक कर देता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं लेंस लगा के आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को ही सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लेंस लगा दिया, अभी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इसे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन्स आ चुके हैं या फिर जो भी आ चुका है इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं इसके कैमरे की मदद से भी। तो भाई बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं, और ये गूगल वगैरह इंस्टॉल करके आप लोग और अच्छे से इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मतलब गूगल तो आप लोग फैमिलियर होंगे ही सब लोग गूगल से, तो क्योंकि मोबाइल में आपने ज़्यादातर गूगल ही यूज़ करा होगा मेरे ख्याल से। तो और यहाँ पे आप लोग सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखे हैं। तो भाई यही थे आज के सारे हिडन फीचर्स और ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।